मध्य प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन के निधन पर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। लंबे समय से बीमार चल रहे 85 वर्षीय लालजी टंडन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के अवकाश के साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं लखनऊ के मुख्यमंत्री और यूपी कैबिनेट के कई वरिष्ठ नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना।